हम दुनिया में किसी के सामने अध्यक्ष महोदय हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। खाली बसुन गया। बोला आजमी साहब, बोला तुम्हें आजमी साहब, बोला मैं एक बार बोला महोदय, वहां नारा लगाया गया वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर मैं आज जो है लक्षवेदी लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, एक आफ्ताब पूना वाला था जिसने एक बड़ा गलत कांड किया, एक लड़की को काट के फ्रिज में डाला, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आफत शुरू हो गई। और अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र में मैक्सिमम जिले के अंदर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है 29 मार्च की शाम को 5 बजे तीन लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया बिल्कुल गलत जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते, हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नहीं नहीं, एक मिनट, बसा। सन्मान्य सदस्य अबू आसिम आजमी साहेब, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका, आपण लक्षवेधीच्या स्कोप वरतीच बोला। बसून घ्या तुम्ही पहिली बसून घ्या। बसून घ्या। खाली बसून घ्या। बोला आजमी साहब, बोला तुम्ही आजमी साहब, बोला मी ऐकतोय, बोला। महोदय, वहां नारा लगाया गया, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वहां नारा लगाया गया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माहौल खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस आई, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया रात में। अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा। अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा, रात में दोबारा फिर वो लोग आए वहां पर 15-20 लोग और फिर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के लोग जमा हुए, जागेवर बसा, दोनों तरफ के लोग जमा हुए, जागेवर बसा, और ये डिमांड क्या, जागेवर बसा, कार्रवाई करो इनके ऊपर, कार्रवाई, जागेवर बसा। और जो लोग वहां चिल्ला रहे थे उनको सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी स्थगित केली जात आहे। अध्यक्ष महोदय, रात को फिर दोबारा 30 लोग उधर आए और फिर झगड़ा शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस ऑफिसर ने वहां पे एफआईआर दिया है, उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 250 लोग दोनों तरफ मौजूद थे। मैं मानता हूं कि रिएक्शन में लोगों ने गाड़ियां जलाई, उनपे केस होने ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु 250-250 लोग दोनों तरफ जमा है और गिरफ्तारियां सिर्फ एक तरफ की हुई है। अध्यक्ष महोदय, गोली चली है ना, तो एक मुनीरुद्दीन नाम का आदमी जो अपने घर के कंपाउंड में था और बाहर से शटर बंद था, वहां एक आदमी अपने 5 महीने का बच्चा भी लेके खड़ा था और ऑफिसर ने कहा कि मैंने जो है ना जो गोली चलाई नीलिंग पोजीशन में चलाई, बिल्कुल झूठ बोला है। नीलिंग पोजीशन में गोली चलाएगा तो सामने डिवाइडर है, डिवाइडर में गोली लगती, उसको गोली अंदर लगी है उसके अंदर। और सर ऑफिसर, वहां उस वक्त लाइट भी नहीं थी, लाइट भी पूरी ऑफ हो गई थी और ऑफिसर कहता मैंने उसमें से 20-25 लोगों को पहचाना और मुनीरुद्दीन भी उसमें था, मुनीरुद्दीन तो अंदर था। और मैंने आपको क्लिपिंग मेरे पास है, मैं क्लिपिंग लाया हूं, पूरी क्लिपिंग है सर,
बिल्कुल झूठ बोला गया है और जवाब में भी झूठ है। मुनीरुद्दीन अंदर था और उसको गोली लगी, मर गया। अकेला आदमी काम वो था, अपने परिवार को चलाने वाला था। अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया है। और ये जो हो रहा है रोजाना ना, देखिए हेट स्पीच पे कहीं रोक लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे अल्फाज को यूज किया कि नपुंसक हो गए या कार्रवाई नहीं करती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है रोजाना रोजाना? अभी यही हुआ वहां पे, कल क्या हुआ सर, ये जलगांव के अंदर अलडोल में कलेक्टर ने मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद बंद कर दिया। और वहां गए जब लोग बात करने ट्रस्टी, तो उन्होंने बुला के पुलिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उस पर स्टे ला दिया कि उसमें नमाज नहीं होगी। और कल कोर्ट ने उसको आर्डर दे दिया कि मस्जिद खोलो, नमाज पढ़ो। यानी रोजाना कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हो रही है। मेरा कहना है सर, आप जो है हेट स्पीच के ऊपर रोक लगाइए। और इसको देख लीजिए आप क्लिपिंग पूरी। वो ऑफिसर जिसने जानबूझ करके गोली चलाई और जिस आदमी ने FIR लिया, झूठ बोला, उसकी आप उस पर 304A का केस होना चाहिए सर। उसके ऊपर 304A का केस होना चाहिए, 160 IPC 160 सेहत के तहत गुना दाखिल होना चाहिए। क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? इंक्वायरी सही तरीके से होगी? मुनीरुद्दीन को क्या इंसाफ मिलेगा? उसके परिवार को कुछ सरकार की तरफ से कुछ उनको कंपनसेशन दिया जाएगा क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य अबू आजमी साहेबांनी जे या ठिकाणी मांडलंय ती वस्तुस्थिती नाहीये। मुळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक समाजाची वस्ती आहे, त्या ठिकाणी राम मंदिर आहे, वर्षानुवर्ष त्या राम मंदिरामध्ये रामनवमीचा उत्सव होतो, रामनवमीच्या आदल्या दिवशी उशिरापर्यंत मंदिर सुरू असतं, लोक त्या ठिकाणी जातात। तशा प्रकारे पहिल्यांदा हे तीन लोक गेले, ते तीन लोक गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ते परत जात असताना बाचाबाची झाली, त्यानंतर माहौल शांत होता, परत सहा लोक गेले, त्यांना सांगण्यात आलं की आता या ठिकाणी मंदिर बंद आहे। तेही सहा लोक परत चालले होते, त्या दरम्यान तिथे अफवा अशी पसरवण्यात आली की मंदिरामध्ये 200-250 लोक लपून बसले आणि ते हमला आपल्यावर करणार आहेत। आणि मग त्यातनं मोठा जमाव त्या ठिकाणी जमा झाला, मंदिरात कोणी नव्हतं। पोलीस हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न करत होते की आता कोणी इथे लपून बसलेलं नाहीये किंवा कोणी नाहीये, कुठलाही हल्ला होणार नाहीये। पण या अफवेतनं परत लोक त्या ठिकाणी जमा झाले, तिथे विटांचे ढीग होते, विटा घेण्यात आल्या, शेवटी पोलिसांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला। थांबवण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर पोलिसांना दोन्हीकडनं पोलिसांवर दबाव येत होता, पोलिसांनाच म्हणजे खरं तर त्यात जखमी पोलिसच झाल्या सगळ्यात जास्त, पोलिसांनाच मार खावा लागला, पोलिसांवर दगडविटा त्या ठिकाणी आलेल्या आहेत। आणि ज्यावेळेस हे सगळं बेकाबू होतं असं लक्षात आलं आणि मोठा इन्सिडन्स होईल असं लक्षात आलं, त्यावेळी रबर बुलेट चालवलेले आहेत। आणि आपण जसं CCTV, माझ्याकडे CCTV फुटेज आहे, पूर्ण CCTV फुटेज आहे। हा जो व्यक्ती मृत्यूमुखी पडलेला आहे हा त्या जमावात आहे, जो जमाव तिथे दंगा घालतो आहे हा कुठल्याही गेटच्या आतमध्ये वगैरे नाही आहे, हा त्या जमावामध्ये आहे। त्या जमावामध्ये त्या जमावाला पांगवण्याकरता त्या ठिकाणी या रबर बुलेट चालवल्या, त्याच्यामध्ये त्याला ती बुलेट लागलेली आहे। त्याच्यामुळे कुठल्या तरी निष्पाप व्यक्तीला पोलिसांनी मारलं हे खरं नाहीये, मुळात दंग करणाऱ्यांवर अशा प्रकारे ती कारवाई झालेली आहे आणि म्हणून पोलिसांवर याच्यामध्ये कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही। मात्र त्या ठिकाणी त्याच्यानंतरही CCTV फुटेज पडताळून जे जे लोक त्याच्यामध्ये दिसतात दंगा करताना, अशाच लोकांवर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केसेस लावण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे कोणी निर्दोष आहे निष्पाप आहे म्हणून त्याच्यावर केस लावली आहे ही वस्तुस्थिती नाही। मानखू शिवाजीनगर एक सलम इलाका है, लोग कहीं से भी आते हैं, झोपड़े बनाते हैं, रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे क्राइम वहां हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये नशे का काम बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है वहां पर। अभी आपने सब चीज की बात किया, थिनर होता है, थिनर गाड़ी के लिए यूज होता है, थिनर आयोडेक्स जो पेन पे लगाते हैं, ये ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के खा जाते हैं, थिनर पी जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा। और क्या है, ये रात को ये जो है मैदान में जहां जगह खाली मिलती है, राशन ऑफिस में मैं उस दिन रात को 11 बजे गया, लाइन से बैठ के सब पी रहे हैं वहां पर। जितनी सरकारी जगहें खाली रहती हैं, मैदान रहता है, वहां बैठे रहते हैं, टॉयलेट में घुस करके
औरतें जाती हैं बेचारी टॉयलेट के लिए, वहां उनके साथ बदतमीजी होती है, वहां बैठ के पीते रहते हैं। और पुलिस बल आप कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बताया सारी चीजें, परंतु जो स्लम एरिया है जहां ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, जैसे मानकू शिवाजी नगर, आप तुरंत वहां पर पुलिस का बंदोबस्त कीजिए अध्यक्ष महोदय, और उनसे कहिए कि इन जगहों पर जहां रात को ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं, कोने खाचे में बैठे हुए हैं, पी रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, आप आदेश दीजिए अध्यक्ष महोदय। अगर पुलिस चाहे तो सर परिंदा पर नहीं मार सकता, आप सख्त कीजिए कि इस इलाके में एक भी ड्रग वाला दिखना नहीं चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं ड्रग खत्म हो जाएगा अगर पुलिस चाह जाएगी तो। आपका आदेश, आपने इसी हाउस में कहा था कि मैं हर पुलिस स्टेशन में एक अलग स्क्वाड बनाऊंगा जो करेगा, लेकिन अभी तक कोई काम अच्छी तरह से हो नहीं रहा है। पकड़े जा रहे हैं लोग, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ रिहैब सेंटर बनाना चाहिए जहां लोगों को भेजा जाए, रिहैब में फी लगती है, लोगों का पैसे नहीं है, जा नहीं सकते, भेज नहीं सकते, तो इन चीजों पर भी आप जरा कुछ कार्रवाई करेंगे तो अध्यक्ष महोदय बहुत धन्यवाद। सन्मान्य असीम भाई ने जो विषय मांडलेला आहे हा खरोखर महत्वपूर्ण आहे आणि म्हणून नक्कीच मानकूर शिवाजीनगर सारख्या एरियामध्ये अधिक त्या ठिकाणी लक्ष देऊन काम केलं जाईल। आणि आपण जे मुद्दे समोर आणलेले आहेत तिथल्या डीसीपींना सांगून तिथे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आपण देऊ। आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा आपण मांडलेला आहे की आपल्याला रिहॅब सेंटर तयार करावे लागतील, कारण त्याशिवाय आपण डी ॲडिक्शन करू शकणार नाही। या संदर्भात या बजेटमध्ये आपण काही रिहॅब सेंटरची घोषणा केलेली आहे, पण आवश्यकतेनुसार अधिकचे रिहॅब सेंटर देखील आपण तयार करू।